126 गांव ऐसे उजड़ जाएंगे? आपको किस लिए हमने मंत्री बनाया है? आपको किस लिए चुनकर विधायक भेजा है हमने? इसलिए कि आप टाटा के पीछे से अपने पीए को भेजिएगा और अटैची भर के लाइएगा। इसलिए बनाया गया आपको कि 5 साल में एक बार आप रात को आइएगा चोरी छिपे गमछा बांध के, और किसी को मुर्गा, किसी को दारू और किसी को चकना दे के जाइएगा। इसलिए आपको मंत्री बनाया है। कितना शर्म और कितना दुर्भाग्य का विषय होगा। और सुनने में आपको एक परिवार वहां धरने पर बैठा है कि जब तक यहां काम नहीं रुकेगा हमारे परिवार में से किसी का विवाह भी नहीं देंगे। सही बात है, बिहार देके क्या करेंगे? कोई परिवार है हमको सुनने में आया, हम ही सुन लो कि एक परिवार और एक अन्य धारणा थे वैसे थे ये बोलते हुए कि जब तक डैम का काम रुकेगा नहीं हमारे परिवार में किसी का शादी नहीं देंगे। सही बोलता है, शादी दे देंगे तो फिर कहां जाएंगे? जमीन डैम छीन रहा है, मंत्री को पीछे से पैसा मिल रहा है, कहां जाएगा? जिंदगी तो मरण समान हो जाएगा। तो भाई इतना अन्याय झारखंड के साथ होगा और झारखंड के लोग चुपचाप सहेंगे? क्यों सहेंगे? इसीलिए आज ये आंदोलन आप लोग देख पा रहे हैं। किसी को शौक लगता है क्या लड़ाई करने का? लड़ाई कोई तभी करता है जब कोई उसको छीनता है, मारता है, पीटता है, लूट के ले जाता है, तब कोई मजबूरी में लड़ाई करता है। 126 गांव आप सोच रहे हैं? आप लोग कितना गांव घूमे हैं? कतो गांव नहीं, क्योंकि पुरुष लोग हो सके 30 को 40 को गांव घूमा होगा। आप लोग तो मासीर मासीर घर, पिसीर घर, बापेर घर, ससुर घर, इससे ज्यादा गए हैं क्या? सोचिए 126 को गांव को ऐसे हटा दिया जाएगा। अगर वो डैम बन जाता है 126 गांव, हमको लगता है आपका सरायकेला का जो ब्लॉक है शायद पूरा ब्लॉक में उतना गांव होगा। हमारे तोपचाची ब्लॉक में 117 ही गांव है, यानी पूरा ब्लॉक में उतना गांव नहीं है जितना गांव एक डैम बनने से हटा दिया जाएगा। किसके लिए डैम भाई? किसके लिए डैम बन रहा है? किस लिए डैम बन रहा है बताइए? यदि डैम बिजली के लिए बन रहा है तो यहाँ इचागढ़ का डैम है, ये है चांदिन डैम, कितना बिजली बनाए और किसको दिए बिजली, ये भी तो सवाल बनता है। ये भी सवाल बनता है कि डैम क्यों बनेगा? नहीं, डैम का पानी खेतों में जाएगा, वर्षा के जल से धान होता है, यदि डैम का पानी खेत में जाता तो गेहूं हो जाता। लोग बेरोजगार कब होते हैं? खेती का समय खत्म हुआ, बेरोजगारी शुरू, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो आप डैम क्यों बना रहे हैं? चंपा सोरेन से पूछा जाए कि क्या मंत्री जी सिर्फ आप ही का परिवार है क्या? आपका बेटा तो फिर विधायक में कभी खड़ा हो जाएगा। अरे मेरा बेटा तो जमीन में खड़ा होने लायक आप नहीं छोड़ रहे। आज खड़ा हो चाहे कल खड़ा हो, चंपा सोरेन जी का बेटा एक ना एक दिन बाप का छत्र छाया में विधायक का चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? यदि उनका बेटा है, खैर हम तो नहीं जानते हैं, उनके परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, उनका बेटा विधायक लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? यदि है तो पक्का लड़ेगा। और हमारा बेटा बच्चा, हमारा भाई बंधु जमीन में खड़ा होने लायक आप नहीं छोड़ रहे हैं। 126 गांव का जमीन आप किस लालच में डैम बनने के लिए तैयार है? तो आज इसीलिए लड़ना होगा, नहीं तो आज कहीं चंडील डैम बनता है, कहीं ईचा डैम बनता है, कहीं कुजू डैम बनता है, कहीं जमशेदपुर में कारखाना लगता है, कहीं स्टील बल्लब का बनता है, कहीं उषा मार्टिन बनता है, कहां जाएंगे हम? कहां जाएंगे हम और क्यों जाएंगे? हम क्या दोष किए हैं? हमरा की दोष कर छी? हमादर की दोष? हमादर की दोष? ए माटी हमादर, ए माटी हमादर पुरखार जोगाल जिनिस, हजार साल से हम यहां रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्यों भाई हमारा क्या दोष है कि हम इस जमीन को छोड़ के चले जाएंगे और क्यों जाएंगे? इसलिए आज जितने भी लोग यहां आए हैं, भारत कानूनी देश है, यहां किसी धर्म की नहीं, यहां किसी जात की नहीं, यहां कानून की चलती है, तो आप पहले कानूनी ही बात कीजिए।
यहाँ यदि वो खेत में मेड़ बनता है मनरेगा के माध्यम से तो ग्राम सभा किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? यहाँ यदि किसी के खेत में मेड़ बनता है तो ग्राम सभा किया जाता है। आप 126 गांव को डुबाने की तैयारी में हैं, कई गो ग्राम सभा हुआ है? पूछा जाए मंत्री जी से कई गो ग्राम सभा हुआ है? उसके बाद पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, पढ़े लिखे बहने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लड़ाई पढ़ाई की है। पहली लड़ाई हम लोग पढ़ाई की लड़ेंगे और आखिरी लड़ाई तो हम लोग जानते हैं किससे लड़ेंगे, वो निर्मल ने बता के गए हैं कैसे लड़ना है। लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, हम पहली लड़ाई पढ़ाई के साथ लड़ेंगे, कागज कलम के साथ लड़ेंगे, नीति नियम के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए नीति नियम आपको जानना होगा कि जब चूंकि सरायकेला जिला में सबसे बड़ा समस्या क्या है, जमीन का 10,000 फैक्ट्री नदी में बना है क्या, न हवा में उड़ रहा है फैक्ट्री, सब जमीन में लगा है। जमीन किसका है? झारखंडी का है। सरायकेला जिला में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन की है, इसलिए आपको जमीन का कानून जानना होगा। भारत सरकार ने कानून बनाया था 2013 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। वो कानून क्या कहता है कि आप अगर जमीन लेना चाहते हैं डैम बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ब्लॉक स्थापित करने के लिए, डीसी का कार्यालय स्थापित करने के लिए, आर्मी का कैंप बनाने के लिए, ले लीजिए, जमीन लेने से कोई नहीं रोका है। लेकिन कंडीशन क्या है? जमीन के बदले जमीन। उस कानून में स्पष्ट लिखा है जमीन के बदले जमीन। तो क्या उन 126 गांवों को जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई है? तो फिर मैं उन तमाम 126 गांवों के लोगों से कहना चाहूंगा, आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 126 सेंटीमीटर भी जमीन मत दीजिएगा। अरे 126 गांव यदि बर्बाद हो ही जाएंगे तो क्या आप में मर्दानगी नहीं है? 126 गांव तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, 126 वो सामने निकलिए, तीर धनुष टांगला बैसला लेके और खड़ा हो जाइए। ऐसे तो बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे तो 126 गांव खत्म हो जाएंगे, 126 लोग सामने आके सामना कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई जमीन के बदले पैसा दे रहा है भूल से भी मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग खेतीहर है, हमारा चासा सवाई चासा ना, सवाई चासा बोटी, तो चासा माने की खेती बाड़ी, हमारा सवाई चासा यदि क्यों मानुष हमारे हमारे हाथे टाका दिवे तो हमारा टाका ते टाका बनाते नहीं पारे, हमारा पारवे की टाका ते टाका नहीं ना टाका ते टाका जे गुजरात राजस्थान सेट मलवारी गला ऐसे छे खाने वारा पार में टाका ते टाका बनाए, हमारा टाका ते टाका बनाते नहीं पाए। यदि हम लोग टाका से टाका बना लेते हैं तो जमशेदपुर में जो बड़का बड़का मॉल है ना, हम लोग का नहीं होता, जमीन हमारा है। ये आदित्यपुर और गम्हरिया में जो बड़का बड़का फ्लैट सब है 18 तल्ला और 22 तल्ला का, वो किसका होता? हम लोगों का होता, जमीन हमारी है। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि हम लोग टाका से टाका बनाने नहीं जानते, 1-2% होंगे हमारे मध्य, एकटा दूटा मानुष अच्छे है जे टाका से टाका बनाते परी, सबाई ना जानी वो सबाई बनाते तुम्ही ना, तुमरा ना पाए टाका से टाका हमारा बनाते नहीं पारी। यदि पारतलम तो आज के जे फैक्ट्री अच्छे, आज के जे बड़ा बड़ा तुमरा देखते पारछी यार, मालिकाना हक हमादेर काछे। यदि हमारे लोगों के पास इतना ही दिमाग होता तो जमीन देता, लेकिन बोलता किसमें जो भी बनेगा 50-50, जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमारे लोगों को पता ही नहीं है ना, उनको क्या समझ में आया था 40 साल पहले जब कोड़ी के भाव जमीन दे दिया
खाया पिया दारू पिया दे दिया जमीन, उसको थोड़ी पता था कि 40 साल बाद क्या होगा, इसलिए भूल के भी एक इंच भी नहीं देना है। अरे ऐसे इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, पकड़िए हाथों में तीर कमान, पकड़िए कुल्हाड़ी, सामने आ जाइए। एक भूल हो चुकी है, अब दोबारा भूल एकदम मत कीजिए, क्योंकि हमारा गुण ही नहीं है कि हम लोग जमीन से जमीन के बदले जो पैसा पाएंगे उस पैसा से पैसा बना सके। ये किसका गुण है? सेठ जी का, मड़वारी जी का, जो गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उनका गुण है भाई, उनके खून में है व्यापार करना, हमारे खून में है खेती करना। यदि हमारे खून में ऐसा होता तो जमशेदपुर का राजा ये फारसी नहीं होता। टाटा कौन है? खुले मंच में कहते हैं कि भारत का भी नहीं है, ये फारसी है। जमशेदपुर में आके एक फारसी आदमी राजा नहीं बनता, कोई झारखंड का बेटा राजा बनता यदि हमको बिजनेस करने आता तो।